तो स्वागत करता हूँ आज के आपके इस वीडियो में। आज बात करने वाला हूँ मैं डी शो के बारे में, एसडी गाइड के बारे में कि कौन सा रोड मैप रहेगा, स्टिकी रोड मैप, लास्ट टाइम रोड मैप फॉलो करने, जो लास्ट मिनट में फॉलो करने वाला है वो वाले रोड मैप के बारे में बात करेंगे। और डी शो के बारे में क्या ही बात करेंगे, मतलब बेहतरीन स्टाइपेंड इंटर्नशिप के लिए और पीपीओ सीपीओ बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलता है, तो पीपीओ भी मिलता है, साथ में बात करेंगे बेस पैकेज सीटीसी के बारे में, सारा कुछ इसी वीडियो में बात होगा। बस आप रहें बने हमारे साथ। तो अच्छा लगे वीडियो तो हाँ, तो लाइक तो करना बनता है यार, ऐसे ही लाइक करते ही नहीं है ये लोग। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि यार सब्सक्राइबर के बाद सिर्फ 10-20 लाइक क्यों है भाई, आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं वीडियो, कौन बैठा है इस चेहरे के पीछे जो शेयर नहीं कर रहा, सिर्फ देख के चला जाता है, भैया ने लिंक दे दिया, निकलते अपना काम खत्म, अपने क्या लेना, शेयर भी तो करना नहीं होता, अपने लाइक करना नहीं होता, कमेंट करना नहीं होता, दुखद बड़ी जिंदगी। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। तो अगर मैं डी शो के बारे में बात करूं सबसे पहले कि डी शो क्यों, वाई डी शो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि डी शो में क्यों चूज़ करना है, पहली बात कि डी शो में आपको अमेजिंग वर्क कल्चर मिलता है और अमेजिंग वर्क कल्चर के साथ आपको डी शो में काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने स्किल्स को इन्हेंस करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो देखिए CTC इसका बहुत बढ़िया रहता है और ये इंटर्नशिप के हिसाब से कंपनसेशन जो है इंटर्नशिप स्टाइपेंड बोल रहा हूँ बहुत सही मिलता है वो भी, और साथ में ये बहुत ज़्यादा हायर करते हैं ऑफ़ कैंपस, तो जो लोग ऑफ़ कैंपस के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं उनमें से डी शॉक उनका टारगेट अच्छा रहेगा। और बेहतरीन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अमेज़ॉन क्यों रहेगा, अमेज़ॉन का बताया था मैंने, अमेज़ॉन पर आप गाइड देख लेना, अगर तक आपने देखा नहीं, ZS गोल्डमैन सभी की गाइड्स आ चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, देख लेना चैनल पर पड़े हैं, बट ये वाली वीडियो में डी शॉक के बारे में जो कि ऑफ कैंपस ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डी शॉक में कि ऑफ कैंपस ड्राइव कब चलती है डी शॉक की, तो यार मेनली देखो मतलब वेराइटी ऑफ कैंपस ड्राइव चलती है डी शॉक की, तो कभी कोई पहले आ जाती है, कभी कोई बाद में आ जाती है, तो ये वाली जो ड्राइव ऑफ कैंपस की बात करें ये इवन सेम में चलती है, ठीक है, और ये फुल टाइम रोल के लिए चलती है, और यहाँ पे बेसिकली इंटर्न नहीं हायर करते ऑफ कैंपस, ये ऑन कैंपस इंटर्न हायर कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ कैंपस हायरिंग चलती है फुल टाइम की, ऑन कैंपस हायरिंग जो होती है ना वो सीधा पीपीओ के थ्रू हो जाती है, ज़्यादातर जितने बार मैंने देखा है पीपीओ के थ्रू हो जाती है, तो ऑफ कैंपस फुल टाइम हायरिंग होती है, ऑन कैंपस इंटर्नशिप की हायर होती है, उसमें पीपीओ के चांस बनते हैं आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपने कैसा परफॉर्म किया उस वाली इंटर्नशिप पीरियड के अंदर। चतुर नर बड़ी हो से यार क्या रे। उसके बाद की बात की जाए, ठीक है, डी शो में बहुत से बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल जाती हैं आपको यार, मतलब काफ़ी अच्छा मिलता है, जैसे अगर आप काफ़ी लोगों से पूछेंगे डी शो के बारे में तो काफ़ी लोगों का मानना है कि कल्चर बहुत सही रहता है, वेजिंग कल्चर, ठीक है, तो इस चीज़ के हिसाब से बेस पे आप डी शो को टारगेट कर सकते हैं। बट हाँ, भूलना नहीं इसका प्रेपरेशन गाइड सुन लो यार, उसमें थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें जिसे हैंडल करना मुश्किल हो सकता है अगर आपने नहीं सुना, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बहुत सी प्रैक्टिस कर ली होगी DSA क्वेश्चंस की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अब DSO के प्रेपरेशन गाइड में पहले अब मैं बात करता हूँ CTC की, ठीक है, तो अगर मैं CTC की बात करूँ तो CTC इसमें 3 कैटेगरीज में होता है, कभी कभार 2 में भी मिल सकता है, 1 में मिल सकता है, बट बाकी मैंने जो सर्च किया थोड़ा सा उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब CTC जो अपने पास है वो होगा 3 कैटेगरीज में, और चौथा जो अपना इंटर्नशिप का स्टाइपेंड होगा वो 80,000 to 1,50,000 पर मंथ वेरी कर सकता है, ठीक है, तो वो वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से देख सकते हैं। बट जो इसकी बात करूँ मैं CTC की, तो उसमें सिर्फ जो 3 कैटेगरीज मुझे पता लगी हैं, सबसे पहले 18 बेस होता है, ठीक है, और वो 35 CTC होता है उसका, उसके बाद 22 बेस होता है वो 40 CTC होता है, उसके बाद 25 बेस होता है 47 CTC होता है, 18 बेस नॉर्मल मिलता है जब आपके पास फर्स्ट टाइम जाते हैं, 22 बेस तब मिलता है जब आपके पास कोई कम्पिटेटिव ऑफर होता है उसके बगल में, तो आपको 22 मिल जाता है बेस, 40 CTC हो जाता है, और 25 बेस और 47 CTC मतलब 47 CTC तब मिलता है जब आप सोच सकते हैं कि मतलब वो चाहते हैं कि आपके पास वो स्किल्स भी हैं सब कुछ, वो आपके काम करवाने चाहते हैं और आपको रखना चाहते हैं, ना कि और कोई कंपनी हायर कर ले, तो वो वहाँ पर आपको मिल सकता है, तो आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि आप एक मतलब अंदर से घमंड नहीं होना चाहिए अंदर बंदे के, ठीक है ना। रंजस दास भैया ने क्या बोला था याद रहेगा ना, एक्सेलेंस के पीछे भागो सक्सेस खुद आगे पीछे, बस वो याद रखने का फंडा बस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि अब क्रैक कैसे किया जाए टेस्ट को, तो ये डी शो का बेसिकली देखो क्रैक करने का सिर्फ इसमें जो कोडिंग टेस्ट होता है उसमें सब्जेक्ट्स तो आएंगे, कोर सब्जेक्ट्स फंडामेंटल्स जो आपके CSE कोर्स होते हैं, DBMS आ गया, OS आ गया, और डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स तो आएंगे, उनके क्वेश्चंस आएंगे, बाद में एप्टीट्यूड बहुत करने हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड बहुत मायने रखते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था ZS वाले में भी और गोल्ड में सेक में कि एप्टीट्यूड में फिल्टर बहुत होते हैं, लोग उठ जाते हैं, ध्यान से नेटवर्किंग या एप्टीट्यूड का अच्छे से करना, DSA कोर फंडामेंटल्स, और DSA क्वेश्चन इसमें हार्ड आते हैं,
ठीक है, क्योंकि लोग दो पहले राउंड में बहुत फिल्टर होते हैं, लास्ट वाले राउंड में तो बस मतलब फिल्टरिंग क्लियर चिट होती है, उसमें डीएसए क्वेश्चन आते हैं हार्ड। अगर आप पे पिक हो के कर लिया आपने तो बहुत सही बात है, हो जाएगा सारा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी एज सच आगे भी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर डी शो में हाँ तो डी शो में बात करते हैं आप पूरा सीजनिंग क्या रहेगी, कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर बात करूँ मैं तो जैसे जो डी शो के क्वेश्चन की बात करूँ मैं हार्ड वाले, वो आप कहीं पर भी पढ़ लेना, बट हाँ याद रखना जितने भी क्वेश्चंस करो उसके साथ साथ यार जो इंटरव्यू के अर्काइव्स बड़े होते हैं नेट पे बड़े, सब देख लेना एक बार जाने से पहले, बहुत ज़्यादा फायदेमंद मिलेंगे, उससे आपको आइडिया लगेगा एक्चुअली क्या चल क्या रहा है मार्केट में, ठीक है। वो वाली अपॉर्चुनिटीज आपको फ़ायदा देंगी और उसके साथ आपको फ़ायदा मिलेगा यार। एक तो इसका फ्रेम वेट फ्रेम हाइट भी इंक्रीज़ करो, तो पता नहीं क्या बीच में हाथ बाहर निकल जाता है, तुम लोग क्या करके आ रहे हो बैठे वहाँ पे यार, देख रहे हो मतलब हद धोती है कुछ भी। तो उसके साथ आपको क्या करना है कि ये वाली चीज़ पे ध्यान रखना है, और साथ में यार क्या करना है कि जब भी आप डी शो में इंटर्नशिप इंटरव्यू देते हैं ना, उसमें क्या चीज़ों का देखना, उस वाले राउंड में क्या होता है कि उसमें दो या तीन इंटरव्यू राउंड होते हैं, एक दो डी एस ए प्रॉब्लम होती है हर राउंड में, और सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज नॉलेज इज टेस्टेड इंटर्नशिप इंटरव्यू में आप पे इस चीज़ पे टेस्ट सेम रहता है। स्टार्टिंग वाला मैंने बताया कि ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट होगा, सब्जेक्ट स्कोर फंडामेंटल्स पे होगा, बट इंटर्नशिप इंटरव्यू में क्या होगा, आपके दो से तीन इंटरव्यू हो सकते हैं और एक से दो डीएससी या तीन भी हो सकते हैं, डीएससी क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हें, और साथ में आपके कोर फंडामेंटल्स और आपने रिज्यूमे में कुछ मेंशन किया है सच कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, आपके वो स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा वहाँ पे, और अदरवाइज आपको वहाँ से बाय बाय टाटा का रास्ता मिल सकता है बाहर। ये तो मीम हो गया यार, मतलब मीम ही बीच में डाल देते हैं। उसके बाद फुल टाइम के इंटरव्यू की बात मैं बात करता हूँ कि फुल टाइम इंटरव्यू में जो स्टार्टिंग वाला कोडिंग राउंड आपने क्लियर कर लिया वैसे सेम राउंड होगा, और इस वाली वीडियो में फुल टाइम इंटरव्यू में क्या करना होगा, आपके पास तीन से चार इंटरव्यू राउंड होंगे, एक फोन इंटरव्यू होगा और दो टेक्निकल होंगे, तीसरा जो होता है दो हो गए तीन, चौथा कभी बार मतलब मिक्स हो जाता है कभी बार आपका हो जाता है, ठीक है। और हर राउंड में आपके एक सी एस फंडामेंटल्स, मैंने पहले बताया था कि उसमें भी सब्जेक्ट्स पे कोर सी एम एस फंडामेंटल्स परखे जाएंगे, और हाँ आपके से डी एस ए क्वेश्चन भी साथ साथ पूछे जाएंगे कि आप डी एस ए क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, ताकि आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के साथ आपकी एफिशिएंसी और आपके सॉल्यूशन अप्रोच और आपकी थिंकेबिलिटी पे भी सर्च किया जाए कि इंसान थिंकेबिलिटी कैसे सोचता है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान रखते हो, उसके अलावा कुछ टिप्स भी दे देता हूँ आप लोगों को, आपको क्या करना है, आपको पहले बताया था मैंने आर्काइव सारे पढ़ लेना जितने भी पढ़े हो नेट पे इंटरव्यू से पहले, साथ में मोस्ट रिसेंटली डीएसए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे नेट पे सर्च करने पे, बहुत सी वेबसाइट है आप उनमें से कोई भी वेबसाइट पकड़ लेना, ठीक है। और एप्टीट्यूड की वेबसाइट मैंने आपको पहले बताई थी, दोबारा बताया था, इंडिया बिक्स है वेबसाइट, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, आप इंडिया बिक्स पे प्रिपरेशन कीजिए, काफ़ी सही क्वेश्चंस हैं, सॉर्टिंग होता है आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। और साथ में यार ध्यान रखना कि जितने भी क्वेश्चंस करें वो खुद से फंडामेंटली आप उसे हार्ड क्वेश्चन जितने भी करें लॉजिक जनरेट करते रहें साथ साथ, कभी कभार वो सेकंड अप्रोच पूछते हैं इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन की अगर ये वाली अप्रोच नहीं काम आ रही तो आप दूसरी अप्रोच कौन सी लगाएंगे, या इससे सॉल्व होगा इसके साथ साइड अप्रोच क्या होगी दूसरी, तो आपको उस वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से रखना होगा, ठीक है। और साथ में ध्यान रखना कि डेटा बेस डीबी में जो सब्जेक्ट है सीक्वल की क्वेरीज बहुत पूछी जाती हैं, सीक्वल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक लास्ट से लास्ट वाले में अगर आप आर्काइव खोलेंगे तो उसमें आर्काइव मतलब 2019-20 वाले आर्काइव जितने भी खोलेंगे उसमें सीक्वल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एसक्यूएल पूछा जाता है, तो एसक्यूएल पूछा जाता है तो इसके हिसाब से एसक्यूएल को प्रिपरेशन कर लेना। और अगर हाँ एसक्यूएल के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए यार, नहीं पता लगे यार कि भैया उसके क्वेश्चन चाहिए, जस्ट कमेंट डाउन करना बिलो, ताकि मैं पिंक करूँ कमेंट्स को उठा के नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको एसक्यूएल प्रिपरेशन गाइड का भी दे दूँगा एक रोड मैप, ताकि ईजी रहे, चीट शीट दे दूँगा आपको, ठीक है। तो जब तक चलते हैं, बाय बाय टाटा।